ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इन सभी में जो बेस रखा गया था वो बेस क्या था, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आपका सबसे पहले जो बेस था दैट इज सेल स्ट्रक्चर, देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, then reproduction, after that phylogenetic relationship, ठीक है, that is सिर्फ यही थे आपके बेस जो बनाए गए थे क्लासिफिकेशन के लिए, जो बेस थे वो आपके इन्हीं को रखा गया। देखो सबसे पहले बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। नाम से समझ में आ रहा है सेल स्ट्रक्चर कि जब भी अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो आपको साफ नजर आएगा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उनको अलग अलग किया गया था। आपके जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे वो सब एक अलग किंगडम बना दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। सेम ऐसे आपके जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको एक अलग किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा, उस बेस पे उसको अलग कर दिया गया। बात समझ में आई? सेल स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि ये आपकी कोई भी सेल जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, तो उस बेस पे उनको डिवाइड किया गया। देन उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हम प्लांट किंगडम में समझेंगे इसको और अच्छे से, इसको फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो नहीं समझा रहा हूँ अभी, थैलस समझ में आता है? पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज थैलस, एनी आइडिया बच्चों थैलस क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज थैलस? ओके बेटा देखो आपका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसमें हम लोग थैलस की जब बात करते हैं तो मींस प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर होती है, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन विच यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, ये जो है दिस इज थैलस। क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर आप बता सकते हो कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीफ है इस स्ट्रक्चर में? नहीं बता सकते हम। सो इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें आप रूट स्टेम और लीफ नहीं बता सकते, दैट इज कॉल्ड थैलस, इन विच we cannot differentiate between root, stem and leaves. तो ऐसी structures को हम लोग क्या बोलते हैं? Thallus. Example algae. घर में आपने देखी होगी, काई देखी है आप लोगों ने अपने घरों में, जहां पे पानी देखा घर में कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है तो वहां ग्रीन कलर की फर्श के ऊपर आपकी जो सरफेस होती है वहां ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, बहुत स्मूथ होती है एंड बहुत स्लिपरी होती है, पैर रखो तो उसके पैर फिसलते हैं, उसको कॉमन वर्ड्स में दैट इज एल्गी बोलते हैं, राइट? दैट इज योर क्या है वो एल्गी, अगर हम लोग उसको बायो में बात करें तो वो आपकी क्या हो जाती है एल्गी। उस प्लांट में वो प्लांट है आप लोगों ने देखा होगा,
उस प्लांट में क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है? नहीं बता सकते उस प्लांट को देख के. दैट इज योर थैलस स्ट्रक्चर. अब समझ में आ गया थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है? चंदा बेटा यस सर. ओके मुस्कान बेटा समझ चलो ठीक. तो नाउ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये देखते हैं जब कोई प्लांट हमें मिलता है या कोई जैसे कोई प्लांट है तो हम उसमें यही देखेंगे कि इसमें रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड है या नहीं. उस बेस पे हम उसको क्लासिफाइड कर देते. अब जैसे कि सबसे पहले आपका आया था थैलोफाइटा. अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने थैलोफाइटा ही तो पढ़ते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ये टर्म. सबसे पहले थैलोफाइटा बना, इसके बाद आपने टर्म पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा के बाद फिर आता है आपका टेरिडोफाइटा. आफ्टर टेरिडोफाइटा क्या बना? दैट इज जिम्नोस्पर्म. और जिम्नोस्पर्म के बाद आए एंजियोस्पर्म. सो दिस इज ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर हम देखें अगर इनमें, तो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे है. इस क्लासिफिकेशन में, इस चार्ट में अगर आप देखें तो आपको एक क्राइटेरिया जो मिलेगा वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा. मींस इसमें जो प्लांट्स बने वो देखे गए कि कैसे डेवलप हो रहे हैं. सबसे पहले जो डेवलप हुए थे वो डेवलप हुए आपके थैलोफाइट्स जिनमें एल्गी आते हैं. फिर उनसे बने थे ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट में जो थैलस था वो थोड़ा सा क्लियर हो गया. मींस रूट स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स नजर आने लगी हमें. दे हैव अ रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ ब्रायोफाइट में नहीं थे, लेकिन इनमें इनकी जैसी स्ट्रक्चर्स थी. बात क्लियर हुई? फिर ब्रायोफाइट से बने ट्राइडोफाइट जिनमें की रूट स्टेम और लीफ डेवलप हुए. इनमें प्रॉपर रूट स्टेम और लीफ थे. ट्राइडोफाइट से बने जिम्नोस्पर्म जिनमें की सीड थे. ट्राइडोफाइट में सीड भी नहीं थे लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड थे. और जिम्नोस्पर्म से बने एंजियोस्पर्म जिनमें की फ्लावर आ गए. जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं होते. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थैलस के बेस पे कैसे हम लोगों ने पूरा पूरा इवोल्यूशनरी चार्ट बना लिया, कैसे फाइलोजेनेटी हमने पता करी. ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है जो मैं यहाँ पे लिखी है. दिस इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तो टैक्सोनॉमी में मैंने ये बताया था कि हम लोग अननोन स्पीसीज को फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद जब सिस्टमैटिक बताया था तो मैंने वहां बताया था कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. दैट इज योर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स. इसी बेस पे हम ज्यादा एक्यूरेट रिलेशनशिप बताते हैं. रिलेशनशिप का मतलब हम एक्यूरेट ये बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल किससे डेवलप हुआ. एंजियोस्पर्म को देखा तो इस हमें पता चला कि भाई इसका जो डीएनए था वो जिम्नोस्पर्म के ज्यादा क्लोज है, तो हमें पता चल गया ये इससे डेवलप हुए. जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से बने, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से, और ब्रायोफाइट थैलोफाइट से. अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उस बेस पर भी हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या आते हैं, आपके फ्रूट्स आते हैं, इनमें फ्लावर्स आते हैं. जिम्नोस्पर्म में ये चीज नहीं थी. ठीक, जिम्नोस्पर्म में सीड थे केवल, वो भी नेकेड. फिर जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट से कंपेयर किया तो देखा टेरिडोफाइट में तो सीड भी नहीं थे भाई. फिर टेरिडोफाइट को ब्रायोफाइट से कंपेयर किया तो देखा ब्रायोफाइट में तो रूट स्टेम लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स थी. और ब्रायोफाइट से जब थैलोफाइटा को देखा तो देखा तो उसमें तो रूट स्टेम और लीफ भी नहीं थे, दे हैव अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर. तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी हमने ये एविडेंस, ये हमने ये चार्ट बनाया. तो क्लासिफिकेशन में अब आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया कि थैलस के बेस पे हम ये देखेंगे कि इसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ है कि नहीं. अगर रूट स्टेम लीफ है तो फिर हम उसको टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में किसी एक कैटेगरी में प्लेस करेंगे. अगर नहीं है तो देखेंगे उसमें रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर है या बिल्कुल ही थैलस है. अगर थैलस है तो थैलोफाइटा में आ गया, और अगर रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर है तो ब्रायोफाइट में आ गया. बात क्लियर? बताओ चंदा बेटा, मुस्कान बेटा. ओके क्लियर सर. ओके बेटा मुस्कान, तुम्हें क्लियर हो गया ना बेटा? चलो
मुस्कान, ये तुमने नो सर किस बात के लिए बोला है, एक बार मुझे बताओ। सर कोई डाउट नहीं था इसलिए। ओके बच्चे, अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं इससे पहले वाली स्लाइड की बात करें, मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में ये टॉपिक समझाया कि जैसे कि आपके क्या कहते हैं मोनेरा से स्टार्ट करें, बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स भी हैं, अपना खाना खुद भी बना रहे हैं और दूसरों से भी ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते थे, ठीक। ऐसे ही अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो वो भी मोस्टली क्या आते हैं, हेटरोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते थे। लेकिन फंजाई की जैसे हमने बात करी तो फंजाई आपके प्रॉपरली क्या थे, हेटरोट्रॉप्स। वो अपना न्यूट्रिशन डेड सेल से ले रहे थे, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, तो दैट्स व्हाई दे आर सेप्टोट्रॉपिक। और ऐसे ही जब प्लांट्स की बात करी तो वो ऑटोट्रॉप्स थे, और एनिमल्स केस में आए तो वो होलोजोइक हो गए। तो आप देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे। हम ये देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिला है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उस बेस पे उसको हम लोग पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस करते हैं। रिप्रोडक्शन भी इसी में एक क्राइटेरिया है कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा रहा है। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहा है तो प्योरली प्लांट है, फिर तो प्लांट कैटेगरी में देखेंगे उसे हम। लेकिन अगर असेक्शुअल कर रहा है तो फिर हम उसको प्लांट, और जो आपके सिंपल वन ऑर्गेनिज्म है लाइक जैसे प्रोकैरियोट्स या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें या फिर फंगस की बात करें तो वहां देखेंगे उसको कि ये या किसके ज्यादा सिमिलर है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने अभी आपको समझाई दिया, इस बेस पे हम लोग कोई भी जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग हमें पढ़ता चल रहा है तो उसका पूरा इवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे ये डेवलप हुआ, उसी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन ही तो ये डिवीजन है, थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कहीं भी आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि थैलोफाइट दे दिया, फिर टेरिडोफाइट दे दिया, फिर एंजियोस्पर्म, देन जिम्नोस्पर्म, लास्ट में ब्रायोफाइट, कभी नहीं पढ़ेंगे आप, यही सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये फाइलोजेनी है, दिस इज फाइलोजेनी, और ये फाइलोजेनी जो बनी ये आपके मॉर्फोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आई मीन टू से जेनेटिक कैरेक्टर्स, दोनों बेस पे बनी है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन में हमेशा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी रखा जाता है, मीन्स कौन से एनिमल से या कौन से प्लांट से कौन सी नई स्पीसीज डेवलप हुई, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन अ क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चों? Yes, sir. अब आ जाते हैं नाउ, जो मुझे आपको लास्ट टॉपिक समझाना है आज, दैट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये चीज भी पूछी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री डोमेन थ्योरी ऑल्सो, ऑल्सो कॉल्ड थ्री डोमेन थ्योरी। इसको समझो, ये जो दी थी दैट इज गिवन बाय कार्ल वॉस, ठीक है। हमारे कार्ल वॉस साहब आए, इन्होंने देखा भाई मोनेरा में, मोनेरा की स्टडी कर रहे, देखा मोनेरा में तो डिफरेंस है भाई, जो बैक्टीरिया है उनमें काफी डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या किया, लाओ जी मोनेरा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मोनेरा किंगडम को डिवाइड करके दो नए किंगडम बना दिए, दैट इज यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, जो मैंने अभी पीछे समझाए थे, बताए आपको नाम, उनको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इन्होंने क्या किया, तीन डोमेन बनाए। सबसे पहले तो डोमेन बता देता हूं आपकी, तीन डोमेन बताए कौन से, आर्की, दूसरा यू बैक्टीरिया, और तीसरा जो होता दैट इज यूकेरिया। मैं भी डोमेन भी बता दूंगा क्या होते हैं, ये तीन डोमेन इन्होंने आपको डिस्कस करे।
ठीक बेटा, आर्की, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरियर, ये तीनों हैं डोमेन्स। अब इसमें क्या किया इन्होंने, आर्की के अंदर जो था इसके अंदर रख दिया आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर आ गया आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो था, ये डोमेन जो था, इसी के अंदर रख दिया यू बैक्टीरिया, जबकि यू कैरिया के अंदर रख दिया इन्होंने जितने भी बचे हुए किंगडम थे, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर किंगडम्स, ये सब किंगडम है ठीक। और ये जो हैं ये क्या हैं? ये सारे डोमेन्स हैं। मीन्स हम लोग जब मैंने आप लोगों को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी तो मैंने वहां पे आपको कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज बताई थी बेटा, चंद्र बेटा, मुस्कान बेटा, मैंने कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोली थी? सेवन सर। वेरी गुड, दैट वाज सेवन, है ना? मैंने कहा था कि ये सेवन कैटेगरीज आप लिखते ही लिखते हैं, तो इन सेवन कैटेगरीज के अलावा मैंने बोला था कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो आप नहीं लिखते लेकिन होती हैं, राइट? जरूरी नहीं कि उनको आप लिखें। तो एक कैटेगरी थी दैट इज डोमेन, ये सबसे बड़ी है, ये किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी है, ये एक तरह से मान लीजिए किंगडम के भी फादर है, किंगडम के भी पिताजी हैं। ये इतनी बड़ी कैटेगरी है कि इसके अंदर आप देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया है, ये सारे के सारे किंगडम्स हैं अगर आप देखेंगे तो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और इन सभी किंगडम्स को मिलाकर एक और किंगडम, एक और कैटेगरी बना दी, दैट इज जो इनसे बड़ी है डोमेन। ऐसे ही आपके मोनेरा जो था उसको डिवाइड कर दिया और उससे दो किंगडम बना दिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और इनका जो डोमेन था वो क्या बना दिया? आर्की और यू बैक्टीरिया। और तीसरा डोमेन जिसके अंदर ये सारे किंगडम्स आ गए बचे हुए, दैट इज यूकेरिया, क्योंकि ये सारे यूकेरियोट्स हैं अगर आप देखेंगे तो, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? प्रोटिस्टा से लेके आपके एनिमेलिया तक ये सब के सब यूकेरियोट्स ही तो हैं, राइट? तो इसीलिए इनके लिए एक अलग से डोमेन बना दिया, दैट इज यूकेरिया, और इसमें ये सारे यूकेरियोट्स चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो सभी को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि यूनिसेलुलर जो थे फिर वो प्रोटिस्टा में आ गए और मल्टीसेलुलर जो यूकेरियोट्स थे वो सारे रेस्ट किंगडम्स के अंदर आ गए, दैट इज फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब डोमेन समझ में आया क्या है? दैट इज द बिगेस्ट कैटेगरी, किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड डोमेन, और तीन ही डोमेन है, दैट इज आर्की, यूकेरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्लियर बेटा नाउ? यस सर। और इसी को ही क्या कहा गया? थ्री डोमेन थ्योरी। अब समझ में आ गया व्हाट इज थ्री डोमेन थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द कार्ल वोस, इन्होंने यू जो मोनेरा को डिवाइड किया था उसके दो किंगडम बना दिए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और तीन डोमेन थे आर्की, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया, यूकेरिया में रेस्ट किंगडम्स को इंक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक। अब एक चीज और जो मुझे आपको बतानी, ऐसा क्या देखा इनको, ऐसा क्या दिखाई दिया कि इन्होंने इनको अलग कर दिया, मोनेरा को किस बेस पे अलग किया? देखो इन्होंने मोनेरा को अलग करने के लिए क्या किया था, मोनेरा की स्टडी कर रहे थे, जब ये मोनेरा की स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया एक तो सेल वॉल में डिफरेंस दिखाई दिया इनको, इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ इन्होंने जो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जो बनाए किस बेस पे बनाए थे, इन दोनों को जो डिवाइड किया इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू
आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्सटीन एस राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग. ये जब आरएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे थे, सीक्वेंसिंग मतलब जब आरएनए की स्टडी कर रहे थे मोनेरा की, तो मोनेरा के आरएनए में इनको ये 16S जो राइबोसोमल आरएनए था, ये यूनिट होती है 16S, 7S, आपने पढ़ा होगा 18S, 17S, ये राइबोसोम्स की यूनिट्स होती हैं. तो 16S जो राइबोसोमल आरएनए था, इसमें इनको डिफरेंस नजर आया. आर्की बैक्टीरिया में दूसरा था, यू बैक्टीरिया में दूसरा था, और इसी वजह से इनकी सेल वॉल में भी डिफरेंस था. इसकी सेल वॉल सीडोमुरिन की बनी थी और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल जो थी वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी थी. तो ये जो डिफरेंस इनको नजर आया, इसी बेस पे इन्होंने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया. क्लियर नाउ? किस बेस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ 16S आरएनए सीक्वेंसिंग. आरएनए सीक्वेंसिंग का मतलब आरएनए को स्टडी करना, इसके पूरे सीक्वेंस को स्टडी कर रहे थे वो, तब इनको वहां पे ये डिफरेंस नजर आया था. क्लियर बच्चों? अब यस यस. तो बेटा आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर दिया. हम लोगों ने पूरा का पूरा टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव एंड सिक्स सारे किंगडम्स डिस्कस कर लिए हैं. कल वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू सर. वेलकम बेटा.